cosa guardare. Era nel vostro. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेव न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, विरार से एक बड़ी चौंकाने वाली और अपराध की बड़ी घटना कल सामने आई। विरार के अरनाला पुलिस स्टेशन की हद की यह घटना है, जहां अरनाला पुलिस स्टेशन की हद में कई सारे इलीगल अनाधिकृत रिसोर्ट जारी है और यह घटना रिसोर्ट की है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि ठाणे के शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के शहर प्रमुख और पूर्व जिला प्रमुख रह चुके रघुनाथ मौर्य के पुत्र, जिनका नाम मिलिंद मौर्य बताया गया है, वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ विरार आए थे। विरार रिसोर्ट 7C बीच रिसोर्ट में जाने के दौरान उनकी रिक्शा वाले से कहा सुनी किस बात को लेकर हुई, और चूंकि रिक्शा वाला स्थानिक था, उसने गांव से और भी रिक्शा वालों को बुलाया और एक साथ कई रिक्शा वालों ने मिलकर इन पर हमला बोल दिया, जिसमें मिलिंद मौर्य को गंभीर चोट आई, इनके साथ में और लोग थे उनको भी चोट आई, और बाद में मिलिंद मौर्य को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मिलिंद मौर्य की मौत होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और कहीं ना कहीं गुनाह दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इसी बीच, क्योंकि मिलिंद मौर्य ठाणे से थे और ठाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जिला भी है, तो मुख्यमंत्री खुद मिलिंद मौर्य की अंतिम विधि में पहुंचे और वहां से उन्हें जब इस प्रकरण की पूरी बात मालूम पड़ी और उन्हें यह मालूम पड़ा कि रिसोर्ट पूरा अनाधिकृत है, तब मुख्यमंत्री ने वसईरा महानगर पालिका को फोन पर आदेश दिया कि अनाधिकृत जितने भी रिसोर्ट है उन पर कार्यवाही की जाए। तो आज सुबह फसेवीरा महानगर पालिका ने बिना कोई देरी किए पुलिस का जाप्ता लेकर 7C बीच रिसोर्ट और अनाला बीच पर बने अनाधिकृत दूसरे रिसोर्ट के ऊपर कार्यवाही अंजाम दी। कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी घटना है जो अभी सामने आई है, और निश्चित ही इस घटना में जो लोग दोषी है उनके ऊपर कार्यवाही होगी। लेकिन बात अगर कही जाए तो आज के समय में छोटी मोटी कहा सुनी भी, कहां कब किसकी जान ले ले, ये कहा नहीं जा सकता है। लोगों की जो मनोदशा है, मनोभावना है, वो इस समय किस हद तक आक्रोश से भर चुकी है, ये इस घटना में दिखाई देता है। मामूली कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आगे इस मामले में जो कुछ पुलिस के हाथ लगेगा, पुलिस जरूर उस पर कार्यवाही अंजाम देगी। देखिए, इससे जुड़ी हमारी ये आज की रिपोर्ट। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।